गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं और आइगन फंक्शन क्या होते हैं। हमने क्या किया था कि हमारे पास में कोई ऑपरेटर था ए के, ठीक है। यदि हम इसे किसी दूसरे या किसी फंक्शन पर ऑपरेट करवाएं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ए के जो है वो ऑपरेटर है और साई जो है वो क्या है, फंक्शन है। फंक्शन पर ऑपरेट करवाएं तो हमें क्या मिलता है कि एक कॉन्स्टेंट मिले और वो फंक्शन वैसा का वैसा वापस मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ये जो ए है वो तो क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू या आइगन मान कहलाएगा, और जो साई है वो क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन आइगन फलन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़े थे कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं और आइगन फंक्शन क्या होते हैं, इन्हें हम अभिलाक्षणिक मान या अभिलाक्षणिक फलन भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इनके बारे में डिस्कस किया था और किस तरह से इनके एग्जांपल्स किए थे हमने एक दो, कि किस तरह से हम आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि डीजेनरेसी क्या होती है, अपप्रस्तुतता क्या होती है। जैसे मान लो हमने किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट करवाया और हमें मिला ए साई वन, ठीक है। इसी ऑपरेटर को हमने क्या किया, किसी दूसरे ऑपरेटर पर दूसरे फंक्शन पर ऑपरेट करवाया, दूसरे फंक्शन से संक्रिया करवाई तो हमें क्या मिला, वापस से ए साई टू मिला। इसी तरह से हम इसको ऑपरेट करवा रहे हैं अलग अलग फंक्शंस पे और हमें क्या मिल रहा है, वही आइगन मान वापस मिल रहा है। यानी हमें एक ही आइगन वैल्यू के संगत एक से अधिक क्या मिल गए, आइगन फंक्शन मिल गए, ठीक है। ये क्या है, आइगन मान है। जैसे मान लो हमारी ए इक्वल टू थ्री है, ठीक है, हम किसी ऑपरेटर को फंक्शन पर ऑपरेट करवा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, आइगन वैल्यू हमेशा 3 ही मिल रही है, ठीक है। फंक्शंस हमारे अलग अलग हैं लेकिन एक ही आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग हमको क्या मिल गए, फंक्शन मिल गए। तो ये सारे फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, फिर डीजेनरेट कहलाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, डीजेनरेसी या अपप्रस्तुतता कहते हैं। यानी इस आइगन मान के संगत इनमें क्या होगी, अपप्रस्तुतता होगी, अपप्रस्तुतता विद्यमान होगी, डीजेनरेसी होगी। और कितनी डीजेनरेसी होगी, कितने हमें फंक्शंस मिल रहे हैं एक ही आइगन वैल्यू के संगत, हमें जितने भी फंक्शंस मिलेंगे, दो मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, चार मिल रहे हैं, वो उसकी डिग्री कहलाती है, या फिर हम कहते हैं कि इतने फोल्ड डीजेनरेसी इसमें है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें क्या होता है, जब हम एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं, आगे है आप लोगों के या पहले भी आप लोगों ने एनर्जी लेवल्स पढ़ा हो, ऊर्जा स्तर, तो क्या वो मान लो किसी ऊर्जा, किसी की जो ऊर्जा है वो एक ही हो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसे अपने पास में और भी स्तर हो तो हम क्या कहेंगे कि इस एनर्जी के संगत क्या विद्यमान है, डीजेनरेसी विद्यमान है, अपप्रस्तुतता विद्यमान है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में क्या होगा, अगर एक ही वैल्यू के संगत एक ही आइगन मान के लिए एक से ज्यादा फंक्शन समय मिल जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, वहां पर डीजेनरेसी प्रेजेंट है। तो यहां से अपना जो डेफिनेशन है डीजेनरेसी की, जब किसी एक ही आइगन मान के संगत, ठीक है, जब किसी एक ही आइगन मान के संगत एक से अधिक रैखिक स्वतंत्र, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, रैखिक स्वतंत्र है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉर्मली वही है जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो संगत एक से अधिक रैखिक स्वतंत्र आइगन फलन फलन विद्यमान हो तो उसे, इसे हम क्या कहेंगे, ये अपप्रस्तुतता कहलाती है। यदि एक ही आइगन मान के संगत हमें क्या मिल रहे हैं, एक से अधिक आइगन फलन मान मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, तो आइगन मान अपभ्रष्ट या डीजनरेट कहलाता है, ठीक है। अपभ्रष्ट या डीजनरेट कहलाता है, ठीक है, अपभ्रष्ट कहलाता है,
से आपको बृहस्पतिवार कहते हैं, ठीक है। यानी जो आइगन मान होगा वो क्या कहलाएगा, डिजनरेट कहलाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, अपभ्रष्टता और डिजनरेसी कहेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, किसी आइगन मान के संगत के संगत जितने अपभ्रष्ट ब्रस्ट आइगन फलन होंगे वह उसकी, ठीक है, अभ्रष्टता की कोटि या अभ्रष्टता का अंश या डिग्री ऑफ डिजेनरेसी कहते हैं, वह उसका अपभ्रष्टता का अंश डिग्री ऑफ डीजेनरेसी, ठीक है, अभ्रष्टता का अंश डिग्री ऑफ डीजेनरेसी कहलाता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अपने पास में हमने किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करवाया और वहां पर हमें क्या मिल रहा है, एक ही आइगन मान के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनके लिए सबके लिए आइगन वैल्यू समान आ रही है, तो हम क्या कहेंगे वो क्या कहलाते हैं, अपभ्रष्टता कहलाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अर्थात यदि ए के कोई संकारक है तथा ए आइगन वैल्यू या आइगन मान है तो क्या हो जाएगा, ए के हम बहुत सारे फंक्शंस ले सकते हैं, ए के के लिए ए के यहां से अपने पास में ए के साइन एन इक्वल टू या फिर ए एन साइन एन लिख सकते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, ए के साइवन इक्वल टू ए साइवन, ए के साइन टू इक्वल टू ए साइन टू, यानी फंक्शंस तो हमारे अलग अलग हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हमें आइगन वैल्यू क्या मिल रही है, सबके लिए एक ही मिल रही है, ए के साइन थ्री इक्वल टू ए साइन थ्री, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में क्या हो जाएगा, एक ही आइगन मान के संगत एक से अधिक क्या होंगे, फलन विद्यमान होंगे, तो इसे हम डीजेनरेसी या अपभ्रष्टता कहेंगे। ठीक है, तो यहां से अपनी अपभ्रष्टता कहलाती है। और ये जो हमारे ये फंक्शंस होते हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, किसी एक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे साई को लिख सकते हैं साई एन वन, जैसे ये अपने होते हैं साई वन साई टू साई थ्री, हम नहीं चल रहे हैं साई वन साई टू साई थ्री, ये इनका क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, रैखिक संयोजन नहीं है इनका, ये सारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, रैखिक स्वतंत्र होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इन सब के लिए डिजेनरेसी है, ठीक है, इन सब के लिए हमारे पास में जो आइगन वैल्यू आ रही है वो समान आ रही है, लेकिन ये इनमें काउंट नहीं होगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि थ्री फोर डिजेनरेसी है, तीन हमें क्या मिल रही है, अपभ्रष्टता मिल रही है, यानी एक ही आइगन वैल्यू के संगत तीन मान हमें मिल रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया साई इक्वल टू सी वन साई वन सी टू साई टू और सी थ्री साई थ्री, तीन हो गई है। और इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर, ठीक है, लेकिन हमारा संयोजन है उसको हमने क्या लिखा, साई के फॉर्म में लिख लिया, ठीक। तो ये जो साई है वो भी एक तरंग फलन है, एक अवस्था फलन है, लेकिन क्या होगा वो इस डीजेनरेसी में काउंट नहीं होगा, ये तीन ही कहलाएंगे, चार नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि इन सबकी वही आइगन वैल्यू है। जैसे मान लो हमने क्या किया, सबके लिए सेम आइगन वैल्यू मिलेगी, ये कॉन्स्टेंट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि
ये जो अपना एक एक साई अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, एक एक सी वन साई वन, एक एक सी टू साई टू और प्लस का एक एक सी थ्री साई थ्री, ये हमें मिला। ठीक है, अब एक एक साई इन सब की आइगन वैल्यू क्या है, ए है, सी वन साई वन वैसे वैसे मिल गया, इसका भी ए, सी वन सी टू साई टू, इसकी भी आइगन वैल्यू सी थ्री साई थ्री, सबके आइगन वैल्यू क्या है, ए ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक एक साई इक्वल टू ए सी वन साई वन सी टू साई टू सी थ्री साई थ्री। ठीक है, ये हम इसे लिख सकते हैं। फिर हमारा हो गया एक एक साई इक्वल टू ए, और ये क्या है हमारा, जो हम साई लेके चले थे वही तो है ये, कि साई इक्वल टू सी वन साई वन सी टू साई टू सी थ्री साई थ्री, ये हम जो लेके चले थे वही है। हम इसे लिख सकते हैं ए साई, यानी जो हमारा एक एक साई है उसका मान भी क्या आया है, एक एक साई इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, स्मॉल ए साई आ गया, यानी इसकी खुद की आइगन वैल्यू भी क्या है, ए ही है। यानी अपने पास में क्या था, एक से अधिक ऐसे फंक्शंस थे जिनकी आइगन वैल्यू ए थी, उनको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा तो हमें एक नया फलन मिला। ठीक है, ये जो फलन होगा इसकी खुद की आइगन वैल्यू भी क्या होगी, ए ही होगी, यानी ये भी एक आइगन फलन है, लेकिन ये इस डीजेनरेसी में काउंट नहीं होगा, डीजेनरेसी में ये तीन ही काउंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन ये डीजेनरेसी में काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्या होगा कि डीजेनरेट कौन हो जाएंगे, कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमें मिले। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ये एक दूसरे पर या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, रैखिक स्वतंत्र होंगे, यानी सी वन सी टू सी थ्री का सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिससे क्या कर सकेंगे, जीरो जीरो का होंगे, जब सी वन इक्वल टू जीरो हो, सी टू इक्वल टू जीरो हो और सी थ्री इक्वल टू जीरो हो तभी ये जीरो होंगे, वरना कोई और कॉम्बिनेशन से ये जीरो नहीं हो सकते, एक दूसरे पर ये डिपेंड नहीं करेंगे। या सिंपली आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास में साई वन साई टू साई थ्री मिल रहे हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, रैखिक स्वतंत्र है ये। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि एक ही आइगन वैल्यू के संगत हमें एक से अधिक आइगन फंक्शंस मिले तो वो क्या कहलाएंगे, डीजनरेट या अपभ्रष्ट कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक लिखे आप लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है लंब कोणीयता प्रतिबंध ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, कि कोई भी दो वेव फंक्शन, मान लो हमारे पास में कोई दो वेव फंक्शन है साई और फाई। ठीक है, ये भी हमारा एक वेव फंक्शन है, ये भी हमारा क्या है, कोई वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन या अवस्थापरण स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों फलन जो है वो ऑर्थोगोनल या लंब कोणीय कब कहलाएंगे, जब क्या हो, इंटीग्रेशन साई स्टार फाई डीवी इक्वल टू जीरो को। ठीक है, तो यहां से अपने पास में जैसे हमने एक कंडीशन पहले पढ़ी थी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध। ठीक है, हमने जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ी थी उसके अंदर अपने पास में क्या था कि कोई भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा, वहां पर हम एक वेव फंक्शन की बात कर रहे थे साई की। ठीक है,
तो साई क्या है, नॉर्मलाइज कब कहलाता है, जब साई स्टार साई डीवी, यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो संपूर्ण आकाश के लिए या फिर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है, डीवी इक्वल टू वन हो। इस कंडीशन को हमने बोला था कि ये कंडीशन क्या कहलाती है, नॉर्मलाइजेशन की, प्रसामान्यकरण की कंडीशन कहलाती है। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि यदि दो वेव फंक्शन हो साई और फाई, तो साई स्टार फाई डीवी इक्वल टू जीरो हो जाए, लिमिट हमारी यहाँ पर भी कंप्लीट रेंज है, तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है ऑर्थोगोनल होने की, लंब कोणीय होने की। जैसे यहाँ पर लंब कोणीय है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर टाइप, तो जैसे अपन दो वेक्टर्स के लिए पढ़ते हैं कि ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा जीरो होता है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वैसे यहाँ पर है कि दो फंक्शंस जो है वो ऑर्थोगोनल लंब कोणीय कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, जब इनका जो साइड स्टार फाई डीवी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इक्वल क्या हो, जीरो हो। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, लंब कोणीय कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हो जाएगी। तो दो तरंग फलन, ठीक है, दो तरंग फलन साई तथा फाई लंब कोणीय कहलाते हैं, ठीक है, साई और फाई के हैं दो तरंग फलन है, दो अवस्था फलन है, लंब कोणीय कहलाते हैं यदि वे निम्न लंब कोणीयता प्रतिबंध का पालन करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हमारे तरंग फलन है साई और फाई को क्या कहलाएंगे, लंब कोणीय कहलाएंगे यदि वे निम्न लंब कोणीयता प्रतिबंध का पालन करते हैं। इंटीग्रेशन साई स्टार फाई डीवी इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहां आयतन समाकल संपूर्ण आकाश के लिए ठीक है, संपूर्ण आकाश का मतलब है होल स्पेस जो हम लेते हैं, वो अपन जो रेंज लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कंप्लीट रेंज के लिए है अपने पास में साई स्टार फाई डीवी इक्वल टू जीरो, जहाँ पर फाई एक वेव फंक्शन है और साई स्टार जो है वो क्या है, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, लंब कोणीय कहलाएंगे। तो ये हमारी लंब कोणीयता प्रतिबंध कहलाता है। हमारे पास में क्वेश्चन है, आइगन फलन जो हमने पढ़े थे कि आइगन फंक्शंस क्या होते हैं और आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, तो आइगन फंक्शंस पे हमारे पास में क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है कि कोई संकारक है यदि यदि संकारक d बाय dx, ठीक है, संकारक d बाई डी एक्स
का आइगेन फलन e की पावर आयोटा x है, ठीक है, डिवाइड x का जो आइगेन फलन है वो e की पावर आयोटा x तथा आइगेन मान आयोटा है, ठीक है, हमें वेव फंक्शन दे रखा है e की पावर आयोटा x और उसका जो आइगेन मान होगा वो आयोटा है, तो संकारक माइनस का 2 आयोटा डी बाय डी एक्स के या फिर डी बाय डी एक्स का आइगन फलन क्या होगा कि आइगन मान तथा के आइगन मान तथा आइगन फलन क्या होंगे, ठीक है, तो हमको दे रखा है कि एक संकारक है डी बाई डी एक्स, ठीक है, संकारक हमें दे रखा है डी बाई डी एक्स और उसका आइगन फलन दे रखा है ई की पावर आल्टा एक्स। तो एक चीज तो हमें ऑलरेडी दे रखी है कि जो हमारा संकारक है ए के, ठीक है, और ए के इक्वल टू हमको दे रखा है डी बाई डी एक्स, तो हम ये लिख देते हैं दिया है ए के इक्वल टू डी बाई डी एक्स और इसका जो आइगन मान है यानी इसका जो आइगन फलन है e की पावर आयोटा x है और आइगन मान आयोटा है, ठीक है, तो हमें दे रखा है दिया है संकारक e के इक्वल टू डी बाय डी एक्स का आइगन फलन e की पावर आयोटा x है, ठीक है, तो e की पावर आयोटा x इसका आइगन फलन है, तो क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स इक्वल टू आयोटा e की पावर आयोटा x। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये तो हमें मिलेगा जब हम e की पावर आयोटा x पर ऑपरेट कराएंगे डी बाय डी एक्स को। अब हम ले सकते हैं, अब हमें इसका ज्ञात करना है ये जो संकारक है उसके आइगन मान और आइगन फलन क्या होंगे, तो यहां से हम क्या करते हैं उपरोक्त को माइनस टू आयोटा से दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है, तो हमारे पास में क्या है कि जो डी वाई डी एक्स ऑपरेटर है उसका ये हमें आइगन मान और आइगन फलन दे रखा था, तो माइनस का टू आयोटा डी बाई डी एक्स ई की पावर आयोटा एक्स इक्वल टू माइनस का टू आयोटा आयोटा ई की पावर आयोटा एक्स। इसका मान मिल जाएगा माइनस का टू आयोटा डी बाई डी एक्स, इसको हम क्या रख लेते हैं एक साथ रख लेते हैं, ये हमारा ऑपरेटर के फॉर्म में हो जाएगा और ये ई की पावर आयोटा एक्स हमारा फंक्शन हो गया। और इधर हम लिख लेते हैं माइनस का टू आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं प्लस टू, तो टू ई की पावर आयोटा एक्स, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ई की पावर आयोटा एक्स पर जब हम इस ऑपरेटर को ऑपरेट करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है टू ई की पावर आयोटा एक्स, ठीक, तो क्या हो जाएगा अतः संकारक माइनस टू आयोटा डी बाई डी एक्स माइनस टू आयोटा डी बाई डी एक्स इतना ही करना सेम है, तो ये इसका क्या हो गया आइगन फलन हो गया डी बाई डी एक्स का आइगन फलन ई की पावर आयोटा एक्स तथा आइगन मान टू है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी कि जो हमारा ई की पावर आयोटा एक्स जो वेव फंक्शन था ये क्या हो जाएगा इस ऑपरेटर का आइगन फलन, यानी आइगन फलन तो सेम ही है दोनों के, पर इसका जो आइगन मान है वो क्या हो गया टू हो गया, तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है संकारक, सिद्ध कीजिए कि संकारक डेल टू अपॉन डेल एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का आइगन फलन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू होता है तथा इसका आइगन मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि हमारा जो ऑपरेटर है डेल टू अपॉन डेल एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का आइगन फलन जो है वो क्या है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू है। यानी अगर हम इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पर ऑपरेट करवाएं तो हमें ये फंक्शन वापस मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये इसका आइगन फलन हो जाएगा और जिस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगा वो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका माना a k इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तथा साई इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो अगर हम a k साई निकालें तो a k साई इक्वल टू ये हो जाएगा डेल टू बाय डेल एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, साई क्या है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, ऑपरेट करें इसे, तो देखो अपने पास में जो डेल टू बाय डेल एक्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम डेल टू बाय डेल एक्स टू का मान क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। तो डेल बाय डेल एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का टू एक्स ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय टू। फिर से हमने डेल टू बाई डेल एक्स टू किया ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ये अपना हो गया माइनस टू, पहले हमने एक्स का किया तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा ये, क्योंकि हमने पहले एक्स का किया माइनस टू एक्स, ऐसे कैसे इसका किया तो फिर से माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, ये वैल्यू हमको मिल गई। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस का टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस 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 प्लस फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का टू और एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस का फोर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। ये ओनली यही बचा एक्स की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू ही बचा। ठीक है, तो इसको अगर दोबारा करें तो ये आ जाएगा एक्स का किया ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, ठीक है, माइनस हमारा एक्स था, फिर से किया तो फिर से माइनस एक्स ही आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू है तो अपना टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू और यहाँ से ये बच गया अपना माइनस ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय टू, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो यहाँ से अपना एक्स स्क्वायर माइनस वन ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय टू ये हमको मिल गया। तो इसको हम क्या रख दें,
तो हमारा ये हो जाएगा डेल टू बाई डेल एक्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। जब हमने इसको ऑपरेट करवाया डेल टू अपॉन डेल एक्स टू को ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई टू पे ऑपरेट करवाया एक्स स्क्वायर माइनस वन मिला, और जो एक्स स्क्वायर है इसको अगर ऑपरेट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा नॉर्मली, क्योंकि एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू हमें ये का ये वापस मिल जाएगा। तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो दोनों साइड हम कंपेयर करने पर देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन हमें ऐसा कैसे वापस मिल रहा है और आइगन वैल्यू भी मिल रही है माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से अपना सिर्फ एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कोई वेरिएबल नहीं बचा साथ में, ठीक है। साथ में अगर एक्स और आ जाता या एक्स स्क्वायर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता तब तो क्या होता, ये इसका आइगन फंक्शन नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा है वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये इसका आइगन फंक्शन होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू संकारक डेल टू बाई डेल एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का आइगन फलन है तथा आइगन मान माइनस वन है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये मिल जाएगा कि आइगन फलन होगा ये इसका और आइगन मान जो होगा वो माइनस वन होगा। तो इस तरह से अपने पास में जब भी हमें कोई वेव फंक्शन दिया हुआ होगा और कोई ऑपरेटर दिया हुआ होगा तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो उसका आइगन फंक्शन होगा, और अगर आइगन फंक्शन है तो उसका आइगन मान क्या होगा।